लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार के चुनाव में सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर है। यहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर मानी जा रही है। यहाँ लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ कितने चरण में कब कब वोटिंग होनी है, साथ ही किस दिन किस सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। यहाँ 7 चरणों में मतदान होने हैं, यानी लोकसभा चुनाव के लिए जब जब वोटिंग होगी पश्चिम बंगाल में भी वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, वहीं तीसरे चरण का मतदान 7 मई, चौथे चरण का मतदान 13 मई, पांचवें चरण का मतदान 20 मई, छठवें चरण का मतदान 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। आइए अब ये जानते हैं कि किस तारीख को किन किन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी। दूसरा चरण 26 अप्रैल को दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट। तीसरा चरण 7 मई मालदा उत्तर, मालदाह दक्षिण, जंगीपुर जैन, मुर्शिदाबाद। चौथा चरण यानी 13 मई को बहरामपुर जनरल, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम। पांचवा चरण 20 मई को बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग में। छठवा चरण यानी 25 मई को तामलुक, कांथी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर। सातवां चरण 1 जून को दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर में वोट डाले जाएंगे। तो ये है पश्चिम बंगाल में होने वाले मतदान की तारीख और जगह का पूरा ब्यौरा। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में इस बार किसका पलड़ा भारी है? टीएमसी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से इसका असर लोकसभा चुनाव पर क्या होगा, कमेंट कर हमें बताइए। और देखते रहिए एबीपी लाइव।